अब सुबह से हो गई शाम और दिन भर तो आपने बहुत सी खबरें देख ली होंगी। अगर समय हो तो जरा इस खबर पर गौर फरमा लीजिए और चौंकने या हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये तो बाराबंकी जनपद के पटेल तिराहे का नजारा है, जहाँ पर अखिल भारतीय मीडिया फाउंडेशन द्वारा कैंडल मार्च निकाल करके सिर्फ यही मांग की जा रही है कि मनीषा को इंसाफ दो और अभियुक्तों को सजा दो। फिलहाल जो भी हो, इस दौरान हमने इनके जिलाध्यक्ष से बात की। पहले वो सुनिए जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं। परिवार के लिए है, उनको न्याय नहीं मिला। अब प्रदीप पाठक जी की बातों को रहने दीजिए, ये ज्यादा कहीं नहीं पाए, लेकिन सुनिए इनके सचिव ने क्या कहा, सुनिए शायद उनकी बातें आप थोड़ा बहुत समझ जाए। ये हाथरस में जो हुए जंगल अपराध, जो मनीषा के साथ में जो जंगल अपराध हुआ है, उसके प्रति ये आज हम कैंडल मार्च, हम सब लोग अखिल भारतीय मीडिया फाउंडेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और अब मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर अब सरकार अगर हमारी उस बहन को अगर नहीं न्याय देगी तो हम इससे भी बड़ा कदम उठाएंगे और इससे ज़्यादा धरना प्रदर्शन होंगे। उस बहन को हमको, उस बहन को न्याय चाहिए। मैं इसी बात के लिए यहाँ पर आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी बात अगर न्याय नहीं, तो अखिल भारतीय मीडिया फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने क्या कहा ये तो आपने सुनी लिया। कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है और अगर सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो आगे आंदोलन या धरना करेंगे। पर कुछ भी कहिए, कैसा नजारा देखने को मिला आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि इनके सब थोड़े बहुत लड़का आ गए, पर इंसाफ की मांग की जा रही है। फिलहाल बाराबंकी जनपद ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।